ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर घर में तुलसी का पौधा देखने को मिलता है और हमने अपने घरों में ज्यादातर दो तरह की तुलसी देखी है। एक तो हरी तुलसी होती है और दूसरी काली तुलसी, जिसे रामा तुलसी और श्यामा तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। पूजा के लिए घर में कौन सी तुलसी लगाना शुभ होता है, रामा तुलसी या श्यामा तुलसी, रामा और श्यामा तुलसी की पहचान कैसे करें, आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि पूजा के लिए आपको घर में कौन सी तुलसी लगानी है, तुलसी लगाने की सही दिशा क्या है, तुलसी पर जल चढ़ाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, तुलसी पर जल किस तरीके से चढ़ाया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी वास करती है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहती है। यही कारण है कि तुलसी को लोग अपने घर के आंगन में लगाते हैं और नियमित रूप से इसकी पूजा करते हैं। सुबह के समय तुलसी पर नहा धोकर जल चढ़ाया जाता है और शाम के समय तुलसी के नीचे दिया जलाया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। वास्तु की माने तो तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास करता है, घर में सुख शांति प्रदान करता है। हिंदू धर्म में दो तरह की तुलसी बताई गई है, जिसमें एक रामा तुलसी और दूसरी श्यामा तुलसी, जिसे हम हरी तुलसी और काली तुलसी के नाम से जानते हैं। इन तुलसी को आप किसी भी दिन अपने घर में लगा सकते हैं और खास करके कार्तिक मास का महीना तुलसी पूजा के लिए और तुलसी घर में लगाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि कार्तिक मास के किसी भी गुरुवार को आप रामा या श्यामा तुलसी अपने घर में लगा सकते हैं। ऐसे करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पौधे को रखने के लिए भी वास्तुशास्त्र में सही दिशा बताई गई है। तुलसी के पौधे को एक सही दिशा में रखें। यदि आप उसे पूर्व दिशा में रखते हैं तो माँ लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही तुलसी को आप उत्तर, पूर्व या उत्तर दिशा में भी रख सकते हैं। वास्तु के अनुसार उत्तर की दिशा पानी की दिशा मानी जाती है। कहते हैं इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे को हमेशा विषम संख्या में लगाना, जैसे 1, 3 या 5। तुलसी के आसपास साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। तुलसी के पास में झाड़ू, जूते, चप्पल, कूड़ेदान जैसी चीजें नहीं रखनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, तुलसी का पौधा कभी सूखने नहीं चाहिए। अगर तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसको वहां से हटा दीजिए और किसी बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दीजिए और इसके जगह पर तुलसी का दूसरा नया पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं। रामा तुलसी, जिसे हम हरी तुलसी कहते हैं, और श्यामा तुलसी, अक्सर देखिए उसके पत्ते थोड़े बैंगनी रंग के होते हैं, तो रामा और श्यामा तुलसी दोनों ही पूजनीय होती है। शास्त्रों की माने तो घर में कोई सी भी आप तुलसी लगा सकते हैं। दोनों तुलसी की अलग अलग पहचान होती है। जिस तुलसी के पत्ते हरे होते हैं वो तुलसी रामा तुलसी होती है, जो भगवान राम को प्रिय थी। रामा तुलसी के पत्तों में थोड़ा सा मीठापन होता है और इसकी पत्तियों का जो उपयोग होता है वो पूजा के लिए किया जाता है। रामा तुलसी को घर में लगाने से सुख शांति आती है। वहीं श्यामा तुलसी की बात करें तो श्यामा तुलसी के पत्ते थोड़े बैंगनी रंग के होते हैं और इसे श्यामा तुलसी यानी कि श्याम का रंग नाम दिया गया है। श्यामा तुलसी को कृष्ण तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। इसका सीधा संबंध कहा जाता है कि तुलसी का जो रंग होता है श्री कृष्ण के समान है, इसलिए इसका संबंध श्री कृष्ण के साथ जोड़ा जाता है। तुलसी, श्यामा तुलसी का प्रयोग ज्यादातर आयुर्वेद में किया जाता है, लेकिन पूजा के लिए कोई सी भी तुलसी आप अपने घर में लगा रहे हैं, केवल एक तुलसी का पौधा आपको अपने घर में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रामा और श्यामा दोनों लगाओ, ये जरूरी नहीं है। केवल चाहे आप रामा तुलसी की पूजा कर सकते हैं या आप श्यामा तुलसी की पूजा कर सकते हैं, दोनों ही तुलसी पूजनीय होती हैं। और लेकिन तुलसी लगाते समय दिशा का जरूर ध्यान रखें। उत्तर, पूर्व या पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं। तुलसी के पास साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। तुलसी को गलती से भी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, खास करके रविवार, एकादशी के दिन या सूर्य ग्रहण के दिन पे तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखें और जब तुलसी पर जल चढ़ाएं तो वहीं पर आप तुलसी की 3 बार, 5 बार, 7 बार परिक्रमा करें। चाहे तो आप गमले के चारों परिक्रमा कर सकते हैं, या अगर आपके गमले के चारों जगह नहीं है तो आप जहां पर जल दे रहे हैं वहीं खड़े होकर आप तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, तुलसी पर जल चढ़ाते समय इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि तुलसी पर जल जब हम चढ़ाते हैं तो हमेशा सबसे पहले जड़ में जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद तुलसी के मध्य भाग में, फिर सबसे ऊपर भाग में, यानी कि नीचे से हाथ ऊपर की तरफ करते हुए और लास्ट में अपने हाथ सर से ऊपर की तरफ ले जाकर तुलसी पर जल चढ़ाइए। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। लोग कहते हैं कि हम तुलसी पर जल चढ़ाते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे घर में ना तो माँ लक्ष्मी का वास होता है और ना ही घर में सुख शांति आती है। इस उपाय को करके देखिएगा, इस तरीके से तुलसी में जल चढ़ा के देखिएगा दोस्तों, इसका आपको जरूर मिलेगा। उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए।